हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो जेके बोस ने अनाउंस किया हुआ है, जो विंटर वेकेशन रिगार्डिंग टॉप सोर्स जो अपडेट हैं जेके बोस ने जो अनाउंस करी हुई है। हॉलीडे कब से स्टार्ट होंगी, तो कौन कौन से कैंडिडेट्स को होंगी, उसकी वजह से जो पेपर आपके ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, मास प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। सारी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो टॉप सोर्स की तरफ से अपडेट हुआ है जो विंटर वेकेशन रिगार्डिंग, जो जेके बोस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। तो चलिए उन्हें स्टार्ट करते हैं, चाहे विंटर जोन से हो, चाहे कश्मीर डिवीजन से, जम्मू डिवीजन से, सारों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जॉब्स अपडेट, एजुकेशनल अपडेट, एग्जाम अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो जे आ जाएगा फ्रेंड्स आपका जो टॉप सोर्स अपडेट हुआ है, तो JNK गवर्नमेंट अनाउंसेस विंटर वोकेशंस फॉर स्कूल, यानी कि विंटर वोकेशन जो गवर्नमेंट JNK है उसने अनाउंस कर दिया गया है स्कूल्स में। और क्या बात करी जा रही है, जहां पे JNK गवर्नमेंट अनाउंस विंटर वोकेशन फॉर द स्कूल्स इन द कश्मीर और विंटर जोन जम्मू में, ठीक है। तो दोनों डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न में, दोनों में जो समर विंटर हॉलीडेज़ हैं समर जोन को छोड़ के, बाकी सब अनाउंस कर दी गई हैं। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, विश्वजीत कुमार सिंह जी, उन्होंने आज जो न्यूज़ एजेंसी है ग्रेटर कश्मीर से बात की गई है, जो भी क्लासेस एट्थ तक हैं, एट्थ तक जो ऑब्जर्व करी जाएंगी विंटर वोकेशन, जो 6 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी और 28 फरवरी तक स्कूल जो विंटर वोकेशन में छुट्टियाँ रहेंगी। उसके बाद बात करें जो क्लासेस 9th से 12th तक हैं विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न के जो स्कूल हैं उधर ऑब्जर्व किया जाएगा जो समर वेकेशन है 13 दिसंबर से लेके 28 फरवरी तक। उसके बाद बात करें एनी डिविएटेड ऑन द पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन ऑब्जर्वेंस ऑफ द विंटर वोकेशन फॉर चिल्ड्रन विल अट्रैक्ट स्ट्रिक्ट एक्शन अंडर द रूल्स सिंह सेड, यानी कि अगर जो विंटर वोकेशंस है वहाँ पे अगर चिल्ड्रंस को स्कूल में बुलाया जाएगा या इंस्टीट्यूशन में उन्हें ऑब्जर्व किया गया तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। उसके बाद क्या बात करी जा रही है, जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हैं उन्हें अलाउ किया जाएगा टू कंप्लीट द ऑन गोइंग ऑनलाइन एग्जाम बिफोर क्लोजिंग द इंस्टीट्यूशन फॉर द विंटर एग्जामिनेशन, यानी कि जितने भी आपके 1 से लेके 8 तक जो एग्जामिनेशन चल रहे थे उन्हें आपने ऑनलाइन जो कंडक्ट जल्दी से कर लेना, विंटर वेकेशन से पहले पहले जो ख़त्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या बात करी जा रही, स्कूल विल बी अलाउड टू कंप्लीट ऑन गोइंग ऑनलाइन एग्जाम सो दैट डस नॉट रिमेन पेंडिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि एग्जाम आपके नेक्स्ट ईयर तक नहीं बचने चाहिए, ऑनलाइन जो एग्जाम है उन्हें कंप्लीट कर देना है। बट नो स्कूल विल बी अलाउड टू कंटिन्यू विद द क्लास वर्क फॉर द स्टूडेंट, किसी भी स्कूल को अलाउ नहीं किया जाएगा क्लास वर्क के लिए स्टूडेंट के। इफ दे आर नो ऑनगोइंग एग्जाम इन द स्कूल दे विल फॉलो द कैलेंडर ऑफ विंटर वेकेशन द प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर आपके जो ऑनगोइंग एग्जाम नहीं हुए स्कूल में तो आपको जो विंटर वेकेशन का कैलेंडर है उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इधर से पता चलता है अगर आपके एग्जाम विंटर्स तक कंडक्ट नहीं हुए तो उसके बाद जो चांस है वो एग्जाम कंडक्ट होने का बिल्कुल कम हो जाएगा और आपको जो मास प्रमोशन के चांस है वो बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो इस अपडेट को देख के तो यही जो सामने आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।